नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें बातें। की पहली फिल्म है, इस फिल्म से वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और दूसरी फिल्म भी हम लोग साथ में कर रहे हैं, गुंडा रिटर्न, गुंडा पार्ट टू, वो अभी अनाउंस हो जाएगा। मैं आप सबका बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इतनी कीमती समय निकाल कर आए हैं, थैंक यू, धन्यवाद। और ये ट्रेलर कैसा लगा वो आप लोग खुद सामने देखे हैं, और अच्छा या बुरा हो तो पब्लिक है, हम सब तो अच्छे ही समझ के बनाते हैं, बाकी पब्लिक जो भी डिसीजन ले उसको स्वीकार करेंगे। थैंक यू। ये फिल्म बनाई है हम लोगों ने बहुत मेहनत से और लोग इसको सराहें, प्यार दें, कामयाब बनाएं, बस यही दुआ है मेरी। ठीक है सर, ठीक है। तो दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये नया डॉक्टर विनोद, ट्रेलर देखा है इसका, काम बहुत अच्छा लगा। ये ना सिर्फ हमारे साथी हैं बल्कि हमारे हमारे खानदान का एक हिस्सा हैं सिकंदर। कोई भी हमारे घर में फंक्शन इनके बिना नहीं होता है। मैं ये कहूँगा कि आज मुंडा के ट्रेलर लॉन्चिंग पर मुझे क्यों बुलाया गया, क्योंकि मेरा इस फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जवाब यह है कि गुंडा के ट्रेलर लॉन्च पे एक मशहूर गुंडे की भी जरूरत थी, एक मशहूर बहुत पुराना गुंडा। तो जिस तरीके से कोई बैंक का फंक्शन होता है तो बैंकर्स को बुलाया जाता है, स्पोर्ट्स का फंक्शन होता है तो स्पोर्ट्स पर्सन को बुलाया जाता है,
तो गुंडा की अगर लॉन्च हो और कोई चीफ गुंडा ना आए तो फिर क्या मतलब। तो मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ, बड़ा थ्रिलिंग ट्रेलर लगा मुझे, बहुत अच्छा ट्रेलर लगा, बहुत अच्छे ड्रामेटिक मोमेंट्स हैं, बहुत अच्छे कैमरा एंगल्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये फिल्म ऊपर वाले ने चाहा तो बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कामयाब रहेगी। और मेरी तमाम शुभकामनाएं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, इकबाल भाई के साथ हैं। इकबाल भाई के साथ भी मैं इनके डायरेक्शन के अंडर में काम कर चुका हूं, और सिकंदर के बारे में यही कहूंगा कि बहुत ही ईमानदार लड़का है, जो भी इसने बेईमानी का काम भी बहुत ईमानदारी से किया है हमेशा। तो बहुत हर चीज इन्होंने बहुत ईमानदारी से की है, और बहुत अच्छा आपका एक यूनिट बन गया है, बहुत अच्छा आपका एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप जबान के पाबंद हैं, आप कमिटमेंट के पूरे हैं। तो एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जो लड़का विदाउट टिकट बनारस से आया था, आज ये पूरा का पूरा काफिला उसके साथ है, ये कोई मजाक नहीं है। इंसान में बात होती है, इंसान ईमानदार होता है, इंसान मेहनती होता है, ठीक है, और उसे अपनी जबान का पास होता है। यही वजह है कि आज सब इसके साथी हैं, और बहुत अच्छा एक कारवां बन गया है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने ट्रेलर देख के आपकी उम्मीदें जो हैं वो और अच्छी हो गई होंगी, और आप लोगों ने इस ट्रेलर को एंजॉय किया होगा। और इस ट्रेलर में, जब ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म और भी बहुत धमाकेदार बनी है, और इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत ही जल्द हम लोग रिलीज कर रहे हैं इस फिल्म को। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी सिकंदर खान जी को, मेरी डायरेक्टर इकबाल जी को, एंड माई को स्टार, इनकी डेब्यू फिल्म है, विनोद जी को, एंड माई ऑल को स्टार्स, सुशील जी, एहसान जी, एवरी वन, गुंजन जी, शी इज़ नॉट हेयर, सबको, सभी, इट्स अ टीम एफर्ट, और एक टीम ने अच्छा काम किया है जिसका आउटपुट आज इतना प्यारा आप लोग के सामने आया है। और बस आप लोगों की बेस्ट विशेस चाहिए कि फिल्म जब भी लगे आप लोग प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ में जा करके इस सिनेमा को देखें। थैंक यू। दो तीन पंजाबी, दो बंगाली, दो तीन मराठी, दो गुजराती, एक तेलुगु और एक कन्नड़ा, तो ऐसे जो मेन मेन भाषाएं हैं जिनकी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, उनमें सब में काम करने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन पिछले 5-6 साल से लगातार कभी रवि किशन भाई, कभी तिवारी जी, कभी नरहुआ, कभी सिकंदर भाई, सबके साथ डिस्कशन हमेशा होता रहता था, लेकिन भोजपुरी फिल्म करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं, मुझे नहीं लगता था कि मैं इसमें फिट हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा मोटा कलाकार हूँ, और मैं 5 साल से लेके 95 साल सब लोगों के लिए काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ किचन लोग एक भोजपुरी सिनेमा में, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा हमारा शौक हो सकता है, रोजी रोटी 100% हिंदी है, तो ये एक फिल्म है, जब इनकी गुंडा देखी तो एक इसका एक्सटेंशन अलग तरीके का है, उसमें ये फोटो जो हमारा देखा वो गलत लगा है, फिल्म का नाम है नाड़ा पांडे, और 100% वो राजपाल यादव नाड़ा पांडे कर रहे हैं, तो उसके गुंडा सिकंदर भाई कर रहे हैं, और कोशिश करूंगा कि ये दो फिल्में, एक निरहुआ के साथ में लल्लन टॉप है जो प्रकाश जैसे हम सब लोग मिलके बना रहे हैं, और एक फिल्म जो है सिकंदर भाई के साथ नाड़ा पांडे है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये फिल्म में कितना आपको मजा देगी ये तो पता नहीं, लेकिन मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फिल्म में जितने, क्यों 33 करोड़ भोजपुरी लोग हैं लगभग, सूरीनाम से लेके, फिजी से लेके, पूरे हिंदुस्तान से लेके, पूरे वर्ल्ड में,
तो 33 करोड़ में 3 करोड़ लोगों को भले मजा ना आए, लेकिन 30 करोड़ लोगों के लिए जरूर ये फिल्म होगी जिसका नाम है नाड़ा पांडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कभी कभी साथ में होता हूँ फ्लाइट पे, तो थोड़ी से मजाक मस्ती करता हूँ, लेकिन बोलते हैं ना कि जिन्होंने 5 पीढ़ी देखी हो, और हम जिनके 5वीं पीढ़ी के हम जो बच्चे आते हैं उनके बीच में ये खड़े हैं जवान बन के, स्वीट 16 विद 60 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ में, सबको सब रजा भाई के लिए ताली बजाइए, और ये खूब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, और ये भगवान करे 10वीं पीढ़ी में भी इससे ज्यादा जवान रहे, ऐसी कहो। एक नई टीम है जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि बहुत ही स्लिक है, बहुत अच्छा एक्शन है, काफी अच्छा ड्रामा लग रहा है, एक कानून तोड़ने वाला भाई है, एक कानून का मुहाफिज भाई है, तो ये जो क्लैश है ये गंगा जमुना से चला आ रहा है, दीवार से चला आ रहा है, और जब भी दो भाइयों की कहानी होती है बड़ा उसमें एक ड्रामा होता है। और ये भी कहूँगा कि एक नई टीम है, एक फ्रेश टीम है, एक बहुत अच्छी इन्होंने शुरुआत की है, और ऐसा लग नहीं रहा है कि सब नए लोग हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। तो ये कहूँगा कि ये फिल्म जो है गुंडा नाम जो है ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, शरीफ इंसान नहीं करते, गुंडा नाम जो है उसमें ही एक अट्रैक्शन है। तो यकीनन ये गुंडा भी बॉक्स ऑफिस की खिड़की पे ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। गुंडे के आपको कहा जाता है, मैंने यही अर्ज किया कि हालांकि इस फिल्म का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है या मेरा इस फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैंने यही कहा कि गुंडा की ट्रेलर रिलीज पे जो मुझे बुलाया गया है, शायद उसकी वजह यह है कि इन्हें एक सर्टिफाइड गुंडा चाहिए था, इन्हें एक मशहूर गुंडा चाहिए था, इन्हें एक फर्स्ट क्लास रिकग्नाइज्ड गुंडा चाहिए था, इसलिए गुंडे की ट्रेलर रिलीज पर उन्होंने एक बहुत ही रिकग्नाइज गुंडे को बुलाया। मैंने काफ़ी फिल्में की भी हैं, और एक एक मार्केट बन गई है भोजपुरी फिल्मों की, ना सिर्फ बिहार यूपी में बल्कि कुछ पॉकेट्स हैं पंजाब के, हरियाणा के, जहां 4 शो रेगुलर भोजपुरी फिल्मों के दिखाए जाते हैं, और उसके अलावा कुछ कंट्रीज हैं जैसे मॉरिशस है, हॉलैंड है, साउथ अमेरिकन कंट्री है सूरीनाम, यहाँ पे एक बहुत ही मजबूत भोजपुरी फिल्मों की एक टेरिटरी खुल गई है। तो वर्ल्ड वाइड जो हैं आज भोजपुरी फिल्में देखी जाती हैं, और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हर इंसान जो है फ्रांस के साथ या कुमार्स के साथ या कपूर के साथ या रोशन के साथ फिल्म नहीं बना सकता। अब जिसे कुछ बनाना है, जिसे अपनी रोजी रोटी चलानी है, और एक फिल्म जब बनती है तो तकरीबन 150 परिवार पलते हैं, 150 परिवारों की रोजी रोटी का एक फिल्म जरिया होता है, इतने वर्कर काम करते हैं। तो ये एक रास्ता है, ये एक मैं ये कहूँगा कि एक सरल रास्ता है ये फिल्म बनाने का, बजट भी इसमें कम होता है, अगर अच्छी फिल्म आप बनाते हैं तो वर्ल्ड वाइड वो फिल्म बिक भी जाती है, उसका म्यूजिक भी बिक जाता है, और फिल्म अगर आप अच्छी बनाते हैं तो भोजपुरी जो है आज एक प्रॉफिटेबल प्रपोजिशन है, वरना सैकड़ों फिल्में जो आज बन रही हैं यूं ही नहीं बन रही। देखिए चेंज तो बहुत आया है, एक पहली फिल्म बनी थी गंगा भैया तो है पीरी चढ़ाई, वो एक ऐसी फिल्म थी ब्लैक एंड वाइट जिसमें कुमकुम और सुजीत कुमार थे, कि गांवों से लोग बैलगाड़ियों में, ट्रकों में,
ट्रैक्टरों में लाइन लगाते थे दो दो तीन तीन दिन उस फिल्म के टिकट के लिए, वहाँ से भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत हुई। उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनती रहीं, पद्मा खन्ना की बनती रहीं, सुजीत कुमार की बनती रहीं, राकेश पांडे की बनती रहीं, और एक बहुत मशहूर एक्टर थे, कैरेक्टर एक्टर नज़ीर हुसैन साहब, वो भी भोजपुरी फिल्में डायरेक्ट करते थे। उसके बाद कलर का ज़माना आया, इसका जो है ग्राफ बहुत बढ़ गया। एक जो तब्दीली आई है, जिसे मैं अच्छी तब्दीली नहीं कहूँगा, कि बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग के डायलॉग्स, डबल मीनिंग के गाने, जिन्हें हम आइटम सॉन्ग कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग के आने लगे। अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, फिल्म चलती है। और क्या होता है कि जब डबल मीनिंग की फिल्में होती हैं तो वो पारिवारिक फिल्में नहीं होती, फिर परिवार के सदस्य एक साथ बैठ के वो फिल्में देख नहीं सकते। तो वो काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है अभी, और बहुत अच्छे अच्छे स्टार्स पैदा किए, रवि किशन हैं, मनोज तिवारी हैं, निरबुआ हैं, रानी चटर्जी हैं, इनके नाम पे लोग फिल्म देखने जाते हैं, और अपनी एक भोजपुरी फिल्मों की अभी भी एक बहुत अच्छी, एक मजबूत ऑडियंस है। सिकंदर भाई की प्रोडक्शन की ये पहली कोशिश है, और मैं कुछ शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वर्ग में ईमानदारी हो, पूरी मेहनत दिखे, और खूब पब्लिक का आशीर्वाद, और अच्छी कास्ट क्रू है, अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं, और किसी अच्छा बात मैसेज भी दे रही है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आप देख लो, रील ये है और रियलिटी में इसको अच्छे से ले लो, तो इसके बहुत बढ़िया मैसेज कि गुंडागिरी कितनी अच्छी है या कितनी अच्छी नहीं है, उसके रिजल्ट ये हैं, वो फिल्म उसको दर्शाती है। तो ये फिल्म गुंडा को नहीं प्रमोट कर रही है, जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उनका क्या हश्र होता है उनका बुरा दिखा रही है। और वैसे ही सिकंदर भाई और ये टीम हमारी अच्छी, हम लोग पिछले जब हम लोग एक्टिंग में शुरुआत कर रहे थे तब से हम लोग दोस्त हैं। तो एक नाड़ा पांडे फिल्म थी हमारी बहुत अच्छी, श्री आनंद जी ने लिखी थी, तो वैसे ही करते, क्योंकि वो भी पृष्ठभूमि एक है लेकिन कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो रोल हमारा बहुत पसंदीदा रोल था। मैंने कहा भोजपुरी में अगर ये फिल्म बनती है तो मैं ज़रूर इसका नाड़ा पांडे का रोल करना चाहूँगा। तो वो फिल्म सिकंदर भाई ने और हम लोगों ने पहले उस पर मेहनत करके रखी थी, तो ये फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ और उसकी शुरुआत हम लोग दीपावली के आसपास वो फिल्म बनाने जा रहे हैं। और मैं भी खुश हूँ कि मैं जिस तरीके से, क्योंकि मैं भोजपुरी सिनेमा जो है वो शौक के लिए करना चाहता हूँ, रोजी रोटी नहीं, क्योंकि रोजी रोटी के लिए तो थिएटर से लेके बहुत कुछ हिंदी सिनेमा ने बहुत कुछ दे दिया है। तो ऐसी फिल्म करूँ जिसमें हमारे 33 करोड़ भोजपुरी लोग हैं या जो पूरे विश्व में जो भी उस फिल्म को देखे वो आशीर्वाद दे, मैं उस तरीके की फिल्म देख रहा था, उसमें ऐसी स्टोरी मिल गई, इसलिए हम लोगों ने हाथ मिला लिया और हम आगे बढ़ रहे हैं। गुंडा पार्ट टू होगा। आप ऐसे वक्त में भोजपुरी सिनेमा में आना चाहते हैं जब भोजपुरी सिनेमा अश्लीलता के आरोपों से दो चार हो रही है, कहा जा रहा है आपकी बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज मजाक उड़ाते हैं भोजपुरी फिल्मों को लेकर, उनके नामों को लेकर, उसके बाद भी आप भोजपुरी सिनेमा में आना चाहते हैं, सच में आप बड़े दिलवाले हैं। मैं हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारी ज़रूरत है भोजपुरी के लिए, क्योंकि जितना मैं भोजपुरी को समझता हूँ कि हमारे देश में इतनी लैंग्वेज है, भोजपुरी एक बड़ी एक अलग सी मिसाल है, एक अलग सी मिठास है, भोजपुरी एक बहुत बड़ा कल्चर है, लेकिन मुझे लगता है विश्व के सामने भोजपुरी का जो कम्युनिकेशन है वो मिसकम्युनिकेशन है। भोजपुरी में जो परिवार रहते हैं, आप विश्वास करिए, मुझे नहीं मालूम कि फिल्में क्या, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे लिए सौभाग्य होगा कि अगर भोजपुरी के 33 करोड़ लोग हैं इस फिल्म को 3300 करोड़ बच्चे से लेके बूढ़े तक एंजॉय कर पाएँ, किचन में देखें, मंदिर में देखें या मस्जिद में देखें, कहीं भी देखें, फिल्म का एंजॉय करें, स्वस्थ मनोरंजन लें और स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। आपने भोजपुरी फिल्म देखी है? देखी है। कौन सी?
कन्यादान, उसके बाद फिर दो एक गाने देख लिए तो फिर हिम्मत नहीं कर पाया भाई, सॉरी। आप उसके बाद गुंडा देख रहे हैं और गुंडा की सब्जेक्ट जो है वो ट्रेलर और वो बाकी भोजपुरी के ट्रेलर, बहुत भोजपुरी से अटैच बहुत हूँ, लेकिन भोजपुरी के जो गाने हैं उनमें मैं फिट नहीं महसूस कर रहा था, इसलिए हिस्सा नहीं बन पा रहा था। लेकिन इसमें जो गाने हैं वो बिल्कुल पारिवारिक हैं और कोशिश करूंगा कि 97% लोगों के लिए हर किचन की फिल्म। एक लल्लन टॉप हमने बताया, मैं और निरहुआ दोनों कर रहे हैं, एक फिल्म का नाम है लल्लन टॉप, ये दो फिल्म कर रहे हैं भोजपुरी, और ये 2019 और 2020 में दोनों आपको देखने को मिल जाए। सिकंदर खान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे करती है और क्या चाहेंगे इस मूवी के बारे में, कैसे करती है? गुंडा फिल्म बनाने में मुझे 9 महीना लग गया, क्योंकि शूटिंग से जाने से पहले मैंने काफ़ी प्री प्रोडक्शन जो होता है, कहानी सेटिंग सारी कुछ बैठ के, क्योंकि जो प्लानिंग किया जो 25 दिन में हम गए थे वो हमने 20 दिन में करके आ गए, क्योंकि मेरी प्लानिंग इतना स्ट्रांग था और सारे लोग इतने थे हमारे साथ, इतने हैप्पी थे, लोगों ने बोला यार मुझे भोजपुरी में हम लोगों ने इतनी फिल्में किया लेकिन ऐसी फिल्म लग रहा है कि फैमिली माहौल है, कोई गंदगी नहीं कुछ नहीं, तो हमारी फिल्म क्या बहुत अच्छे मूड से बना है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, गाने अच्छे हैं, फैमिली भी आप माँ अपने माँ बहन भाइयों के साथ देख सकते हैं, क्योंकि पिक्चर हमने ऐसा बनाया क्योंकि हमको भी गंदगी से बहुत ही ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहता। गाना आपने देखा ही है, गाना है, कहानी है, डायलॉग है, लोकेशन है, सब कुछ आपको फ्रेश मिलेगा, तो फिल्म अच्छी है। जी करने के लिए, जैसे योगी जी भी लगे हुए उन लोगों को सफाया करने के लिए, योगी जी भी लगे हुए उन का सफाया हो, क्या ये फिल्म आप उसी रास्ते? रील वाले ना कभी किसी का सफाया करते हैं ना किसी को फायदा करते हैं, रील वाले हमेशा मैसेज देते हैं कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, अपनाना आपको है, नहीं अपनाओगे तो हम मनोरंजन कर रहे हैं, अपना लोगे तो अपन बहुत अच्छा है कि रील के साथ रियल भी अपने को मिल जाए, अगर उसमें मैसेज मिल जाता है तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं। अच्छा सर्कुलेट करवाना और अच्छा मैसेज देना, लोगों का मूड फ्रेश करवाना, बस बाकी जो सफाया है या क्या है वो हम लोग कलाकार लोग हैं, रील करते हैं रील नहीं करते। मैं इसको एक्चुअली रिवील नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि फिल्म देखें आप, आपको आइडिया आएगा, इसमें आपको सब कुछ है, मसाला फिल्म है, म्यूजिक है, गाना है, एक्शन है, डायलॉग है, तो आपको पूरा एक मसाला फिल्म है, और बाकी आप पिक्चर जब देखेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगा, और मैं कहानी ओपन करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एक अच्छा प्लॉट था, मुझे अच्छा मिला, मैंने उस पिक्चर को प्रोड्यूस किया और एक्ट किया, क्योंकि मैं 30 साल मुझे इंडस्ट्री में हुआ, 30 साल में अगर मैं प्रोड्यूस किया तो कुछ बेटर सब्जेक्ट मिला होगा तो मैंने किया। और दूसरी फिल्म है राजपाल भाई जो शुरू कर रहे हैं वो नाड़ा पांडे, हम लोग ऑलरेडी 2 साल से वर्क कर रहे हैं उस कहानी पे, 2 साल से, और वो कहानी इतना अच्छा बन के आ गया, श्री आनंद जी लिख रहे हैं, अभी उसकी नेक्स्ट वो शुरू करेंगे। गुंडा पार्ट 2 भी आज आपने अनाउंस किया जी, नाड़ा पांडे ही गुंडा पार्ट 2 है, वही नाड़ा पांडे गुंडा पार्ट 2। असल जिंदगी में कभी कोई गुंडा बना राजपाल जी, आप जिसको आप कह सकते हैं कि आप बड़ा गुंडा था? देखने का नजरिया है, जो आदमी सड़क घूम रहा है, जिसको दुनिया की अदालत ने घूमने के लिए सड़क पे छोड़ा हुआ है, मेरी नज़र में कोई गुंडा नहीं, और मैं सबसे मिलना पसंद करता हूँ। जो आदमी सड़क घूम रहा है, अगर वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है तो उसने क्या वो बुरा अच्छा है वो तो अदालत जाने, सिस्टम जाने, दुनिया हमारे जो देश की परंपरा है चल रही वो जाने, लेकिन जो आदमी हम लोग रोज़ हज़ारों लोगों से मिलते हैं और जो आदमी आज़ाद घूम रहा है जिस पे कोई हथकड़ी नहीं लगी है उससे मिलने में हमें कोई समस्या नहीं, मैं उसको किसी गुंडा नहीं समझता, मैं सोचता हूँ पता नहीं क्या चीज़ें होंगी अच्छी वो हो, मैं सबसे मिलना पसंद करता हूँ। हाँ कभी कभी साधक होते हैं कभी कभी बाधक होते हैं, तो साधकों को लेके आगे चलता हूँ, बाधकों को भी प्यार करता हूँ। आज रवि किशन का जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे रवि किशन, स्वस्थ रहो हम सबकी तरफ से, गुंडा टीम की तरफ से। अब जो आपने क्या जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है उसमें गोरखपुर को आप आगे बढ़ाओ, हमारे भोजपुरी समाज को आगे बढ़ाओ, रवि किशन हम लोग यही उम्मीद करते हैं आपसे, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल, लव यू ऑल, अपना कितने समय निकाल के यहाँ पे आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात की जाए हमारी आने
फिल्म गुंडा जिसका आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, बहुत ही प्यारा ट्रेलर बनाया है इकबाल जी ने। और इस फिल्म में मेरे साथ डेब्यू कर रहे हैं विनोद जी, इनकी ये फर्स्ट फिल्म है, लेकिन ट्रेलर देख के कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि इनकी ये फर्स्ट फिल्म है। इन्होंने बहुत मेहनत की है और उसका आउटपुट इतना प्यारा आया है। कैसी रही केमिस्ट्री विनोद के साथ के पर्दे पर, सीधा साधा व्यक्ति को गुंडा बना दिया सिकंदर खान जी ने, कहाँ बेचारे क्लासेस वगैरह चला रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सीधे साधे हैं और सीधे साधे को गुंडा बनाने में टाइम लगता है। और स्क्रीन पे तो आपको हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही होगी, बट ऑफ स्क्रीन हमारी केमिस्ट्री ना बहुत झगड़े होते थे स्क्रिप्ट को लेके, डायलॉग्स को लेके और बॉडी लैंग्वेज को लेके, और हम लोग बहुत झगड़ते थे और ये हमारी बात मानते भी थे कि नहीं आप सही कह रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, और उसी का आज आउटपुट ये आया है। किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, अगर आने वाली पीढ़ियों को या आने वाले जितने भी न्यू कमर्स हैं उनको लगता है कि वो अंजना सिंह के साथ काम करेंगे और उनको कुछ सीखने को मिलता है और उनकी फिल्म को लोग पसंद करते हैं, तो ये कुछ बुरा नहीं है। इट्स गुड फॉर मी एंड गुड फॉर देम ऑल्सो, और बिल्कुल मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है कि मैं न्यू कमर्स के साथ में काम नहीं करूंगी या नहीं करूंगी आगे जा करके, मैं बिल्कुल करूंगी। और जैसे कि देखिए आज हमारा रिजल्ट कितना अच्छा आया है। विनोद जी क्या कुछ कहोगे, कैसा लग रहा है गुंडा बन के बिना सारा जीवन व्यतीत कर रहे थे, अचानक लाके उन्होंने मिला दिया, गुंडा बना दिया, होगी अच्छा कुछ रोल देते नेता बेटा का रोल देते तो अच्छा भी लगता है। मेरा यू टर्न पॉइंट है जीवन का, कि एक जो सोच के मैंने अपने करियर को शुरुआत किया था उसका इसको लाइफ कैरियर था, जो मैंने गुंडा से शुरुआत किया। एक नाम गुंडा है, फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है, जो सिकंदर सर ने मेरे को एक अच्छा मौका दिया, उसके बाद मेरी पूरी टीम ने काम किया मेरे साथ में और मेरे साथ अंजना मैम ने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि गलतियों पे झगड़ा भी होता था, डांटती भी थी, समझाती भी थी और मैं इसको एक्सेप्ट करता था कि जी मैम दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर गलती कहीं है मैं नया हूँ, मेरे कुछ भी नहीं था, वो एक नया चीज़ थी तो मैं समझ भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे समझने लगा हूँ कौन सी कहाँ से होती है, और वो गलतियाँ जो मेरी हो मैंने छुपाया नहीं, तो मैंने एक्सेप्ट किया और आगे डेवलप किया, और आज रिजल्ट देख करके ऐसा लगा कि गलती मानना ही मेरे लिए अच्छा था, जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आती थी मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। नहीं ऐसा कभी नहीं है, वो चीज़ नहीं है। देखिए जो चीज़ होती है सीनियर और जूनियर हो तो हर इंडस्ट्री में है, ठीक है, लेकिन जूनियर को अपने जूनियरिटी को हमें के दायरे में रहना चाहिए और मैं अपने दायरे में रखे काम करूँ। अंजना जी आज रवि जी का ही इज़ माई फर्स्ट रियल हीरो, और उनको मेरी तरफ से, अंजना सिंह की तरफ से, हमारी पूरा गुंडा टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। और देखिए ये आपका बर्थडे, हम कोशिश करते कभी खाली नहीं जाए, आज आपके बर्थडे के मौके पे ही आज हमने अपनी फिल्म गुंडा का ट्रेलर लॉन्च किया, तो विशिंग यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू। इसमें तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। थैंक यू सो मच। विरोध को बहुत सपोर्ट भी किया है, और सुशील सिंह, अंजना सिंह,
रंजन पंत, सिकंदर भाई ने, मतलब सारे लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया और उसने काम भी बहुत ही अच्छा किया और आज वो बहुत अच्छा काम कर सकता है उसका यकीन है। और रिकी मास्टर जी ने उसको मतलब वो सिखा दिया जो वो नहीं जानता था। जी ओके, शूटिंग के दौरान कोई कौन सी शूटिंग के दौरान फर्स्ट डे शूटिंग का जो था वो विनोद थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ था, हड़बड़ाया हुआ था, पहला दिन पहला शॉट कुछ नहीं पता उसको, कभी सीखा नहीं उसने, कभी कैमरा फेस किया नहीं, तो बहुत ही डरा सहमा था वो। बट जैसे जैसे लोग उससे मिलते गए, प्यार से बात करते गए, सारी उसके लोगों से केमिस्ट्री बनती गई, वो खुलता गया और आखिरकार वो पहले दूसरे दिन तीसरे दिन तक तो वो मतलब खुल चुका था और बहुत अच्छा काम कर रहा था। मैं इसी बात को आगे फॉलो करना चाहूँगा क्योंकि जब तक मैं सेट पे पहुँचा तब तक एक्शन हो रहा था, जब मैं पहुंचा था क्योंकि मैं एक दिन पहले गया था और मुझे लोकेशन देखना था पहले ही कि कहाँ कौन सा गाना करना है, तो इन्होंने जो विनोद जो एकदम ही रॉ है, ऑलरेडी उनका एक पैर तोड़ चुके थे तो मैं बोलूँ तो गाने के लिए एक तो वैसे ही वो रॉ है ऊपर से, लेकिन उसने पैर में रोज रात को बाम लगा के गर्म पानी में सेक के रोज सुबह खड़ा रहता था 6 बजे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सिकंदर खान जो पहली बार ही प्रोड्यूस कर रहे हैं मेरे ख्याल से, मेरे मतलब बहुत अच्छे दोस्त और भाई, जब आए मेरे पास कि ये फिल्म करनी है करके तो पहली बात तो मैं बहुत खुश हुआ, उसके बाद कहे कि मैं भी इसमें एक्टिंग कर रहा हूँ और वो एक्टर है भी बट एज ए हीरो पहली बार कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा मिस्टर इकबाल बख्श उसके डायरेक्टर थे तो इनके साथ हमेशा मन करता है कि काम करें क्योंकि ये कहीं से भी रोकते नहीं हैं किसी, मतलब मुझे कोई इक्विपमेंट चाहिए या कोई सेट चाहिए या कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो ये कभी मना नहीं करते और फ्री हैंड देते हैं सामने वाले को, तभी इस फिल्म में वो रिजल्ट दिख रहा है। तो हर आदमी नया होता है लेकिन हम मास्टर्स को इसीलिए रखा गया कि उनको अच्छे से हम प्रेजेंट करें ताकि वो स्क्रीन पे टेढ़ा ना लगे, स्क्रीन पे लंगड़ा ना लगे, स्क्रीन पे हीरो लगे। अंजना के साथ तो काफ़ी काम कर चुका हूँ मैं, जब वो नहीं आई थी तब से मैं कर ही रहा हूँ, अभी लास्ट जिगर किया था साथ में उनके, काफ़ी हिट गई फिल्म हो दिनेश जी के साथ, और अंजना तो पहले से ही उसका मेहनती लोगों में नाम आता है, आज भी वो उसी तरह से है। और फिल्म लाइन है भी ऐसी चीज़ ना जिसमें सिंसेरिटी नहीं तो वैसे भी फिल्म लाइन उसे झेलती नहीं, उसे उठा कर बाहर रख देती, तो मेहनत कर रही है और वो बहुत अच्छी है और हमें भी बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने उसके साथ, और एक टीम ऑल टुगेदर एक टीम बहुत अच्छी थी, डायरेक्टर अच्छे थे, DOP अच्छे थे, प्रोड्यूसर अच्छे थे, खाना थोड़ा प्रॉब्लम था बट आज रवि जी का जन्मदिन है, कुछ रवि किशन वाओ हर हर महादेव। रवि जी आज मेरे 28 साल से दोस्ती है मेरी उनके पास, और मेरे जो बॉस है गणेश आचार्य उनके क्लासेस में वो डांस सीखने आते थे तब से मेरी दोस्ती है उनसे, और सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई दूंगा जो उनको वो MLA बन चुके हैं और सांसद बन चुके हैं, सॉरी ये काटना वो वापस बोल, सबसे पहले मैं रवि किशन जी को बधाई दूंगा कि वो सांसद बन चुके हैं उत्तर प्रदेश से, और उनको जन्म की उनके जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस हिम, और मैं चाहूँगा कि वो UP के मुख्यमंत्री भी बने और हमारे फिल्म लाइन को आगे लेके जाए। इकबाल जी मेरा एक सवाल है कि 2 साल पहले हमने एक इवेंट किया था महाबली, रहुआ बली का जो फिल्म आप बना रहे थे, 2 सालों में फिल्म अब तक बनी नहीं, ना कोई अपडेट है, जरा बताएं महाबली बली क्या नहीं बनी? मतलब मुद्दे पे आ गया, मैं जान रहा था कि अभी पूछेंगे, कोई ना कोई पूछेगा इस बात। दरअसल क्या है महाबली फिल्म उस वक्त सरकमस्टेंसेस ऐसे थे कि कुछ वजह से नहीं बन पाई, बट वो फिल्म अभी शुरू हो चुकी है और योर एनिमेशन वो फिल्म मैंने शुरू कर दी है, अभी लास्ट वीक ही शुरू की है उस फिल्म,
फिल्म को अभी हम भोजपुरी में नहीं बनाएंगे, सिनेमा को हम हिंदी बनाएंगे। तो वो फिल्म प्रीवियस वीक में हमने शुरू कर दी है, फिल्म की शूटिंग भी हो गई है, ये बता दूँ आपको। तो भोजपुरी जो हम करना चाह रहे थे कि भोजपुरी करेंगे, हिंदी करेंगे, दिनेश जी काम करेंगे, उस समय कहा कि अभी भोजपुरी का इतना रिकवरी नहीं है, अगर फिल्म का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है तो आप लोग भी जान रहे हैं। तो वो हिंदी में बना रहे हैं, शुरू हो गई है फिल्म, और उस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट मंथ ऑलमोस्ट फुल्ली अच्छे तरीके से शुरू हो गई। भाई साक्षी साक्षी जो साथ में भी इंडियन एजुकेशन स्टडी चल रही है, बेंगलोर में पढ़ रही हैं, लेकिन उस समय में बहुत जब मेरे को ऑफर मिला, समय एक एजुकेशन इंडस्ट्री से हूँ जो मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मैंने सलाह किया कि साक्षी एक ऑफर है मूवी करने का, तो पहले बोले कि आप तो ऑफर आपका लाइन अलग है, मूवी अलग है, मैं बोला रियली ठीक है, आपको मौका मिलता तो आप करिए, और सबको ये मौका नहीं मिलता है और आजमा सकते हैं आप। और फिर मैं उस टाइम पे सी स्प्रेगनेंट, मेरा एक बेटा है ममता हान, उस समय मैं बोला तुम्हारा केयर कौन करेगा, बिकॉज हम एक साथ दोनों रहते हैं, और उस समय मैं बिजनेस में भी रहता हूँ, आता जाता भी रहता हूँ, तो बोले उसकी जब चिंता मत कीजिए और आप अपनी कैरियर में। तो मैं उस टाइम को बहुत याद करता हूँ, मुझे एक प्रेगनेंट लेडी अपने पति को बोलती आप जाइए और ना ये हॉस्पिटल में, और मैं शूट कर रहा था, मैं मूवी को शूट कर रहा था, और ये मतलब हॉस्पिटल के 15 दिन पहले मैं डॉक्टर के केयर में देख रेख चल रहा है। बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा साक्षी को, मुझे मेरे करियर की शुरुआत में ब्लैंक सपोर्ट किया, और रियली एक किसी भी काम के लिए अगर आपकी पत्नी का या परिवार का सपोर्ट मिलता है तो ऑटोमेटिक उसको सफल बनाते हैं। तो पूरी टीम जिन्होंने फिल्म को कंप्लीट किया, उनको धन्यवाद मैं देता ही हूँ। लेकिन इस मूवी में और उस टाइम पे सपोर्ट करना, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और मैं पिक्चर को शूट कर रहा, तैयारी कर रहा था उस समय, तो उस समय इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपनी वाइफ को दूंगा कि और आज जो भी हूँ मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में, और मैं कहीं ना कहीं अगर मैं खड़ा हूँ, मेरे पत्नी का बहुत बहुत योगदान है। यही कहना चाहूँगी कि इनकी मूवी अच्छी जाए, और जितना हो सकता है मैं उतना सपोर्ट करती हूँ उनको, पति मेरा भी बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं इनका भी शादी के पहले मेरा दीपा गहरवाल नाम था, आफ्टर मैरिज मेरा जन्नत शेख नाम है, और मैं सिकंदर खान की नाउ आई एम वाइफ, और आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड की ही मतलब वो अच्छे मूवी कर रहे हैं और सक्सेस हो। मैं भी पहले एक्टिंग करती थी, एक्टिंग लाइन में थी, और फैमिली बसाने के चक्कर में बीच में छोड़ गया, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं कि तुमको आगे बढ़ना है, और मैं बढ़ूँगी इंशाल्लाह। और फर्स्ट थिंग तो ये है कि अभी गुंडा पिक्चर जो मेरे हस्बैंड ने बनाई है वो सक्सेस हो, और बहुत ही अच्छी मूवी बनी है, और इन्होंने और विनोद ने और इनके ग्रुप ने सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और मैं चाहती हूँ आगे भी मेरे हस्बैंड का इनका सिकंदर खान प्रोडक्शन काफ़ी आगे बढ़े, मैं यही प्रे करूँगी गॉड से। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.